तो जैन साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूरे एनएसजी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी, भोजपुर फिजिकल एकेडमी पटना ब्रांच में आपका स्वागत करता हूं। हमारी एकेडमी का संस्था है जो आरा और पटना दोनों जगह चलता है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं पटना के गांधी मैदान के हेड ब्रांच से। हम बात करेंगे पीएसटी पीईटी, जो ये आप नोटिस देख रहे हैं, ये हमारा जो सीआरपीएफ ऑफिशियल नोटिस के द्वारा जारी किया गया है, ये एसएससी जीडी के बच्चों का फिजिकल डेट को लेके। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज ना होइए, ये जो लेटर है ये ओरिजिनल लेटर है, ऑफिशियल लेटर है और सही लेटर है। ये आपको जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उनके द्वारा ये सीआरपीएफ का इसको ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, और जो डेट है आपका जो भगे अपना पीईटी पीएसटी का जो डेट है, और इसका जो मेडिकल है और डॉक्यूमेंटेशन है, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में मैं फिजिकल में फंस रहा हूँ, अभी भी मेरा टाइमिंग ज़्यादा आ रहा है, मेरा मार्क्स अच्छा है, मेरा मार्क्स अच्छा होने के बावजूद भी मेरा अच्छा टाइमिंग नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा टारगेट बैच आज से ही मंगलवार से स्टार्ट किया हूं, और केवल 20 दिन का टारगेट बैच है। अगर आपका वेट ज़्यादा हो या चेस्ट कम हो या लड़कियां पार्टी आपको रनिंग में प्रॉब्लम आ रहा हो तो एक बार कंसल्ट कीजिए। आपको लड़कियों को 8 मिनट के नीचे और लड़कों को 20 के नीचे, लड़कों को 20 के नीचे 20 दिन का टारगेट बैच स्टार्ट करके रखा हूँ, और इसमें दोनों टाइम आपको मेहनत कराऊंगा, तीनों टाइम मेहनत कराऊंगा, और इसमें आपको वेट लॉस का भी मेहनत कराऊंगा, और आपको भर्ती मत यानी कि रनिंग कंप्लीट करा दूंगा। बिल्कुल ओपन टारगेट बैच, ओपन चैलेंज है कि मैं, अगर आप सोचते होंगे मन में दुविधा हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूर्व में भारतीय सेना से रिटायर हूं और एनएसजी कमांडो भी रह चुका हूं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे आपको बिल्कुल नीड है मेडिकल का, बिल्कुल नीड है आपको आपका मेडिकल का, और नीड है आपको फिजिकल का, तो मैं आपको कंप्लीट करा दूँ, उसमें शक नहीं करना। मेरे प्यारे बच्चों, जो लेटर देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, ये बिल्कुल ही ऑफिशियल है, आप जाके सीआरपीएफ की वेबसाइट पे इसको विजिट भी कर सकते हैं, वहाँ पे ये दिया हुआ है, इसी नोटिस में भी दिया हुआ है इस चीज़ को। ये जो भर्ती था आपका 24 नवंबर 2023 का था, जो नोटिस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, और उसी भर्ती का जो फिजिकल डेट है 18 अगस्त, आप देख सकते हैं मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है 18 अगस्त से लेके 28 सितम्बर तक, 28 सितंबर तक, यानी कि 1 महीना 10 दिन आपका फिजिकल चलेगा, उसी में आपका मेडिकल भी होगा, उसी में आपका डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग भी होगा, और उसी में आपको भर्ती भी उसी ड्यूरेशन में आपको दे दिया जाएगा, आपका मेरिट सब जो क्लियर है उसी ड्यूरेशन हो जाएगा। अब हम बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में हैं कि चिप जो बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में फंसे हैं कि चिप अगर लगाया जाएगा तो क्या हमारा ट्रैक पर रनिंग होगा या रोड पर रनिंग होगा, तो मैं जहां तक बता दूं कि आईटीबीपी के द्वारा पहले दिया हुआ था कि हम चिप के द्वारा और ट्रैक पर दौड़ाएंगे, लेकिन सीआरपीएफ का पहले से ही आप लोग देखें, बहुत सारी भर्तियाँ देखें, रोड पर रनिंग का ज़्यादा 99.9% चांस है कि आपको रोड पर ही रनिंग करना पड़ेगा, 0.1%, क्योंकि देखिए मैं कोई डीआईजी तो हूँ नहीं, आईजी तो हूँ नहीं कि मैं, मेरे माध्यम से ही ये लेटर जारी होगा। हाँ, 1% बोल रहा हूँ, 0.1% बोल रहा हूँ, 99.9% चांस है आपका कि रोड रनिंग होगा, और 0.1% से जहाँ तक हो सकता है कि मे बी आपको ट्रैक रनिंग होगा जिसमें चिप माध्यम से होगा, लेकिन 99% चांस है कि रोड रनिंग। इसलिए आप रनिंग पर अपना प्रैक्टिस करते रहिए, फोकस करते रहिए। जिस बच्चे को अभी भी डर लग रहा है कि मेरा रनिंग का टाइम अभी भी कम नहीं हो रहा है, मैं किसी संस्था में फंस चुका हूँ, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, उस संस्था को छोड़िए, उस संस्था को लात मारिए और चले आइए। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि 20 दिन का मुझे आप टाइम दीजिए, 20 दिन में आपका अगर टाइमिंग कम नहीं हुआ तो जो मुझे आप पैसा देंगे मैं उस पैसे को आपको वापस कर दूंगा, ये मेरा आपसे एकदम प्रॉमिस है, क्योंकि मुझे अपने आप ऊपर भरोसा है कि मैं जो ट्रेनिंग दूंगा वो इस इंडिया की, तो इस बिहार की तो छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया में इस तरह से कोई ट्रेनिंग नहीं देगा, क्योंकि मेरा पीछे भी रिजल्ट बैंक में देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, कि अभी हाल फिलहाल जितने भी कोई भी भर्ती को देख लीजिए, मेरे पास जो बच्चे आए हैं अगर प्रॉपर सही तरीके से रहे हैं, मेरे गाइडलाइन में रहे हैं, नहीं भागे हैं बीच में छोड़ के, उनको मैं पास करा चुका हूँ, वो पास हो चुके हैं, अब उनके ऊपर मुझे, मेरा बहुत सारे बच्चे हमारे पास एंसर किए आने के बाद आए थे, वो सारे के पास हो चुके हैं। आप पिछले
वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे अपना पहले ही आ चुके, वो तो लगभग लगभग 20-21 मिनट में मार रहे हैं, 19 मिनट में मार रहे हैं। तो मेरा अपने ट्रेनिंग के ऊपर भरोसा है मेरे बच्चों, आपको अपना एक माइंड में सेट करके आना है कि मैं वहां जा रहा हूं तो मैं रुक जाऊंगा, तो 20 दिन का मुझे टारगेट ले दीजिएगा कि सर मेरे से करा के दिखाइए, मैं करा के दिखाऊंगा। हाँ, जैसे कराऊंगा वैसे करना पड़ेगा। टारगेट मतलब टारगेट होता है, नो ब्रेक, उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, ना आप ब्रेक करेंगे ना मैं ब्रेक करूंगा। तो अभी भी अगर आपका टाइमिंग नहीं घट रहा है तो एक बार आइए भोजपुर फिजिकल एकेडमी, जिसको NSG कमांडो चंदन पांडे के द्वारा चलाया जाता है। और बिल्कुल आपका जो डेट है 18 अगस्त से लेके 28 सितंबर तक आपका जो डेट जारी किया गया है, ये बिल्कुल निर्धारित डेट है। 99.9% चांस है आपको इसी डेट में होगा, मेडिकल भी होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी होगा। बिल्कुल माइंड से आप सेट रहिएगा और आइए। अगर फिजिकल में टाइमिंग कर रहा है, कम करना है, लड़की हो तो भी आइए, लड़का हो तो भी आइए, हमारे यहाँ दोनों के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध है। पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 8 के सामने लड़कों का, गेट नंबर 7 के सामने 800-900 मीटर के दूर पे लड़कियों का छात्रावास सुविधा उपलब्ध है, बिल्कुल सेपरेट से। हमारा वीडियो कैसा लगा और आप फिजिकल के लिए तैयार हैं, आपका फिजिकल में कितना टाइमिंग लग रहा है, कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए। और नंबर से किसी का मत डरिए, कोई लड़का नंबर बोल रहा है मेरा इतना ज़्यादा है, मेरा वो है, मेरा ये, सब रनिंग में फेल है। जितने भी आप नंबर वाले को सोचते होंगे, 90% लड़के अभी रनिंग में फेल हो रहे हैं, चूंकि उन्होंने टाइम से पहले नहीं दौड़ना शुरू किया था। अभी भी दौड़ रहे हैं, वो पास नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं जहां पर उनको टाइम पास वाले ट्रेनर मिल गए हैं, उनके साथ वीडियो बना रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वो भी बेचारे टाइम पास कर रहे हैं, फंसिए नहीं। 20 दिन का टारगेट बैच मेरे को दे के देखिए, मैं आपका टाइमिंग गिरा के दिखाऊंगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए और अपना टोटल मार्क्स भी बताइए, कट ऑफ मार्क्स आपका कितना है। थैंक यू, जय हिंद।